दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे MPPNST में जो DHS के थ्रू कैसे सिलेक्शन होगा। अभी तक क्या एक क्वेश्चन था बच्चों के मन में कि DHS के अलग से एग्ज़ाम करवाएगा, इसी के साथ काउंसलिंग करवाएगा और कैसे करवाएगा, कितनी सीटों पे करवाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपके तक सबसे पहले पहुँचे। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं कि DHS जो DHS मतलब कि डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस, इसके थ्रू किस टाइप से बच्चों का सिलेक्शन होगा BSc नर्सिंग के लिए। तो देखो, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जो DHS के थ्रू DME की काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद DHS ने 570 सीटों पर काउंसलिंग करवाई थी, 570 स्टूडेंट को लिया था। और DHS और DME को लेके आपको पता ही है, DME जो है उसमें ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं जिसमें कुछ चार्जेस या फीस बच्चों को पे करनी पड़ती है, और DHS में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। ओके गाइस, तो जो DHS है इस बार कंफर्म नहीं है 540 या 570 सीटों पर काउंसलिंग करवाएगा, और DME में 810 सीटों पर हो रही है, तो लगभग 1360 या 70 सीटों पर सिलेक्शन बच्चों का होना है। ओके गाइस, और DME देखो, अब ये तो हो गया है कि DHS अलग से एग्ज़ाम नहीं लेने वाला है, इसी के थ्रू काउंसलिंग करवाएंगे, पर ये कंफर्म नहीं है कि टॉपर स्टूडेंट को पहले DHS में एडमिशन मिलेगा या फिर DME में। तो अपनी काउंसलिंग तो करवानी ही है, DHS मिले या DME मिले, दोनों ही बेस्ट है। और बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स होती है कि दी क्या BSc नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो हाँ, BSc नर्सिंग आप DME से करो या DHS से करो, उसके बाद पोस्टिंग सेम होगी, सेम पेमेंट, सेम सैलरी, सब कुछ सेम होगा। ओके, और जो हॉस्पिटल भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों स्टूडेंट को, जो DHS और DME, देखो 4 ईयर उसमें भी लगने हैं, 4 ईयर इसमें भी लगने हैं, तो 4 ईयर बाद ही साथ में ही पोस्टिंग होगी जो भी होगी, दोनों DHS और DME वाले की। तो इसलिए ये टेंशन ना रखे या फिर ये ना सोचे कि शायद हम लोगों का होगा नहीं। और जहाँ तक बात रही कि स्टाइफंड, तो सेम DHS वाले को भी स्टाइफंड उतनी ही मिलनी है, 3500, और DME वाले को भी उतनी मिलनी है, सारी व्यवस्थाएं उतनी होगी। सिर्फ DME वाले को क्या करना है, जो कॉलेज होंगे उसमें फीस पे करनी है। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि जो रैंक है वो कितनी रैंक वाले बच्चों को, अब थोड़ी रैंक तो बढ़ जाएगी क्योंकि 570 या 40 जो भी है अभी कंफर्म नहीं है कि कितनी सीट पे आने वाली है। अगर जैसे ही आता है तो हम अपडेट देंगे। और जैसे आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं कि जो बिना जैसे DME के थ्रू होने वाली थी 810 सीटों पर, उसका हमने रैंक या कट ऑफ बताया था कि कितना जाएगा। ओके, जैसे कि जनरल वालों के लिए बताया गया था कि जिनकी 193 मतलब कि ओपन सीट 193, तो 78 लगभग जिन बच्चों की नंबर थे 78, उन लोगों को 810 सीटों के लिए बताया गया था कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो अब देखो, थोड़ा कट ऑफ तो कम होगा, जैसे 78 है तो यह 74 या 76 लगभग हो सकता है, 1, 2, 4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो सेम वैसे ही OBC वाले का जब 75 था DME के थ्रू, तो DHS के थ्रू कितना हो सकता है, कितने नीचे जा सकता है। देखो 100-120 समथिंग सीट है शायद OBC और जनरल वालों की हो सकती है उसमें, तो वैसे ही 70 समथिंग वाले बच्चे अपनी काउंसलिंग करवा ले, जिनके 70 नंबर है OBC से वो अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और ST वाले स्टूडेंट 60 के लगभग जो भी स्टूडेंट है, 60 या फिर 55 तक वो अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, इतने नीचे तो जाने वाला नहीं है, पर 60 समथिंग जा सकता है। और SC वाले स्टूडेंट का जो पहले कट ऑफ था, अगर DHS नहीं लेता तो 70 मतलब कि 70,
तो उनका फिर भी 67 या 68 जा सकता है। ओके गाइस, तो ऐसे ही कट ऑफ जो है नीचे जाने के चांसेस है और रैंक जिनकी थोड़ी ज़्यादा है उन बच्चों के होने के चांसेस है। ओके गाइस, और किसी भी प्रकार की कोई कमेंट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप बकायदा पूछ सकते हो, हम उनका रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो।